ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आज फिर से शहादत को याद करने का दिन है। चीन की सीमा पर अपने देश की धरती की इज्जत को बचाते बचाते माँ भारती के 20 लाल शहीद हो गए। पूरे देश की आंखें नम हैं और देश से यही पुकार आ रही है कि सरकार हमारे बेटों की ये शहादत खाली न जाने पाए। कोई मध्य प्रदेश का शहीद है तो कोई झारखंड का। देश के हर हिस्से ने अपने लाल को खोया है। आइए आपको इन शहीदों में से कुछ की कहानी बताते हैं जो इनके प्रदेश के नेताओं ने शेयर की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सूबे से शहीद हुए 2 जवानों का जिक्र किया है। एक वीर सपूत का नाम कुंदन कुमार ओझा है, जो साहिबगंज जिले के डिहारी गांव के रहने वाले हैं। इसी तरह दूसरा लाल जो शहीद हुआ है उसका नाम गणेश हांसदा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के शहीद दीपक सिंह की जानकारी दी है। शिवराज सिंह ने कविता के जरिए इस शहादत को नमन किया है। आपको बता दें कि चीन ने सोमवार रात निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। यह हमला गलवान घाटी में हुआ था। चीन की सेना के जवानों ने 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों पर हमला किया, जिसमें कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू समेत 23 जवान शहीद हो गए। इस संघर्ष में चीन के भी 40 सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। इस हमले में शहीद कर्नल संतोष बाबू की मां की एक बात तो आप सुनकर रो पड़ेंगे। उस मां का कलेजा कितना मजबूत है जिसने अपने बेटे की शहादत पर कहा कि उसे गर्व है। उस मां ने कहा कि एक मां के नाते दुख है कि बेटा नहीं लौटेगा, लेकिन गर्व है कि वो मातृभूमि के लिए शहीद हुआ।